इंदौर के छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दो गुंडों के गुटों के बीच विवाद हो गया था, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसके बाद छत्रीपुरा पुलिस ने गुंडों को गिरफ्तार कर उनका क्षेत्र में जुलूस निकाला ताकि क्षेत्र में गुंडों का भय कम हो सके। सर, छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में कुछ चार आरोपी को गिरफ्तार किया है, सर क्या है पूरा मामला? कल रात को पारस, एक बड़ा पारस है, छोटा पारस है, दोनों थाना छत्रीपुरा के डिस्ट्रिक्ट बदमाश है। बड़ा पारस पे कल अटैक किया छोटा पारस और उनके साथियों ने, तो धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। और तो रात को ही पूरी टीम ने मेहनत करके सोनू सागर, एक ज्ञानी है, और पारस, इन चारों को राउंड अप किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। सर, ये चारों आरोपी क्या करते हैं और कितने अपराध? मुख्य रूप से इनका विवाद का कारण जो है वो पूर्व में एक साल पहले जो बड़ा पारस है उसके रिश्तेदारों ने छोटा पारस के रिश्तेदारों पर हमला किया था, धारा 307 का केस रजिस्टर हुआ। उसी बात की रंजिश को लेते हुए इनके द्वारा जो है उस पर आक्रमण किया है और हम इनके खिलाफ 307 का केस रजिस्टर करके गिरफ्तार। सर, आरोपी से पूछताछ में कहाँ क्या सामने आया, पिस्टल कहाँ से लेके आए थे, जो सीसीटीवी फुटेज? जो हमको ये चार जो आरोपी हैं उनके बारे में फरियादी ने रिपोर्ट दिखाई थी, अन्य कौन साथी थे क्योंकि अभी वीडियो फुटेज में हम देख रहे हैं, जो भी साथी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये लिस्टेड उनके हैं, फरियादी भी लिस्टेड है और आरोपी भी लिस्टेड है, इनके खिलाफ पूर्व में भी जिला बाजार NAC की कार्रवाई हो चुकी है, अब वर्तमान में भी हम इनके खिलाफ 307 का गंभीर केस रजिस्टर्ड हुआ है और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।